press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अच्छा पूरन दस्तगीर जब कॉमर्स मिनिस्टर थे सर, उनकी निजी महफिलों में ये हमेशा बात की गई उन्होंने कि जितना मैं काम करता हूँ ना ट्रेड को बहाल करने के लिए, वाघा बॉर्डर से रास्ता हमवार करने के लिए, खुलवाने के लिए, उतना ही एस्टैब्लिशमेंट से मुझे टफ टाइम मिलता है और जो मिला हमने उसको फॉलो किया. सर आई थिंक नवाज शरीफ से बिटवीन साड़ी एंड बर्थडे डिप्लोमेसी जो गलती हुई कि जब आपने वन ऑन वन रवाबित शुरू कर दिए मोदी सरकार मोदी से, तब एस्टैब्लिशमेंट को आपने बैकफुट पे डाल दिया शको शुबात के अंदर वो, और ये सेंटिमेंट जो है ये राइज में तो नहीं था ना. लास्ट जब लाहौर बस हुई थी, ठीक है, खान का ये अभी अभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा प्रीमेच्योर है इंडिया के साथ और खासा प्रीमेच्योर. अभी वैसे भी अगले साल वहाँ मोदी सरकार के इंतखाबात होंगे तो डोंट एक्सपेक्ट एनी टेम्परेचर ये होगा. प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने से वसत साहब वो कहते हैं मुझे शर्मिंदगी होगी और मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर्स एनक्लेव में कहीं एक मोर छोटा या मोर एक क्या कहते हैं अंडरस्टैंडेबल कोई रिहाइश में ढूंढूं. एंड देन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस को खोला है फॉर अवाम कि वो आए रेंट करे और यूज करे उसे. डू यू थिंक कि ये अचीवेबल है इनके लिए? विल दे टेंट नहीं यूज कर सकते? पहला प्राइम मिनिस्टर सीएम हाउस के बारे में ये कहा. मैं ओवरऑल कुछ कहना चाह रहा हूं. जी जी, पहली चीज जो मुझे पसंद आई वो ये है कि ये तकरीबन एक्सटेम्पोर तकरीर थी. 20 दिसंबर 1971 को एक तकरीर हुई थी रात 12:30 बजे, वो भी एक्सटेम्पोर थी. उस वक्त ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी थी, लोग बहुत टूटे हुए थे. उस तकरीर ने लोगों को उठाया. जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 20 दिसंबर 1971 एक्सटेम्पोर तकरीर का ये होता है के लिखे वैसे मैं खुद को कनेक्ट नहीं कर सकता. हो सकता है किसी सेक्शन अफसर ने ये दे दिया हो खड़ा कि जाके इसे पढ़ दो. जब आप एक्सटेम्पोर बोल रहे होते हैं थोड़े से नोट्स के साथ तो मुझे गलत या सही ऐसा लगता है कि शायद आप अपने दिल और दिमाग से कोई बात कर रहे हैं. जब आप अटकते हैं थोड़ा सा जुमला आपका टूटता है या मुजक्कर मोनस होता है तो मुझे अच्छा लगता है. तो ये बात मुझे इस तकरीर में सबसे पहले ये पसंद आई. उन्हें इकोनॉमी के हवाले से बात की जो एक बहुत बड़ा इधर इशू रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फिर फॉरेन पॉलिसी. देखिए बिल्कुल सही बात है, वुड एग्री विद वसंत साहब के इशू ये है कि आज ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट की तकरीर थी, ये अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं थी और ये एक पार्टी के चेयरमैन की तकरीर नहीं थी जो इलेक्शन में है. इलेक्शन के अंदर जब भी आप होते हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, यू नो, आप अपोजिशन को पुट डाउन भी करते हैं, आप ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती. ये अमरीका में भी होता है, ये यहाँ भी होता है. इशू ये है कि यू नीड टू इमीडिएटली कट टाइज विद द पास्ट वंस यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर. फॉरेन पॉलिसी पे मुझे लगा, एंड आई कैन बी रॉन्ग अबाउट दिस, कि इमरान खान साहब बेसिकली ये स्ट्रेस कर रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि खान साहब के बारे में बहुत से लोगों को खदशात थे कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अमेरिका के साथ वो ये कर देंगे और वो तो ड्रोन अटैक कर, यू नो, ड्रोन को नीचे गिराना चाहते हैं. आप अगर नोट करें तो उन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि जो दोस्त हैं उनसे हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे, अफगानिस्तान हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम कोशिश जारी रखेंगे. और जहां उन्होंने इंडिया से ट्रेड की बात की. सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स.